मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। ये समलैंगिकता विदेशी मुद्दा है, यूरोप का मुद्दा है, और उसके कारण है उसके पीछे, और कारण उनके यहां ये है। वो ये कहते हैं, यूरोप के सभी दार्शनिक इस बात को मानते हैं कि शरीर का आनंद ही चरम आनंद है। हम बिल्कुल इससे उल्टी बात मानते हैं। हम मानते हैं ईश्वर प्राप्ति का आनंद ही चरम आनंद है। भारत में चरम आनंद की स्थिति ईश्वर प्राप्ति में है, यूरोप में चरम आनंद की स्थिति शरीर के सुख में है। तो यूरोप में जो भी किया जाता है वो शरीर के सुख के लिए किया जाता है, और भारत में जो भी किया जाता है वो मोक्ष प्राप्ति और ईश्वर प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो हम संगीत में जाएं, हम गीत में जाएं, हम नृत्य में जाएं, कहानी में जाएं, कविता में जाएं, नाटक में जाएं, हम चित्रकारी में जाएं, कलाकारी में जाएं, कहीं भी जाएंगे, हमारा लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति और इच्छाओं से मुक्ति। यूरोप वाले और अमेरिका वाले चाहते हैं शरीर का सुख, शरीर का सुख, शरीर का सुख। तो उनको शरीर का सुख एक तरीके से लेना, थोड़ी देर के बाद उसमें ऊब हो जाती है तो दूसरे तरीके से लेना, फिर उसमें ऊब हो जाती है तो तीसरे तरीके से लेना, फिर उसमें ऊब आ जाती है तो चौथे तरीके से लेना। तो चूंकि शरीर का सुख ही सब कुछ है और वही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, क्योंकि वो मानते हैं कि ये शरीर एक बार ही मिला है, आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता ही नहीं, ना वो पुनर्जन्म को मानते हैं ना पूर्व जन्म को मानते हैं। यूरोप की सभ्यता और भारतीय सभ्यता में जो जमीन आसमान का एक अंतर है वो ये कि हम पूर्व जन्म को भी मानते हैं, पुनर्जन्म को भी मानते हैं। यूरोप वाले ना पुनर्जन्म को मानते हैं ना पूर्व जन्म को मानते हैं, वो कहते हैं जन्म एक ही है, अब इस जन्म में ये शरीर मिल गया, इसमें जितना सुख लेना है ले लो, जितना भोग करना है भोग लो, तो सुख में डूबना है, भोगों में डूबना है, उसके लिए समलैंगिकता में जाना पड़े तो वहां चले जाओ, और किसी काम में जाना पड़े तो वहां चले जाओ, वो सब कुछ सुख प्राप्ति है शरीर के माध्यम से। इसलिए उनके यहां समलैंगिकता एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और इतना बड़ा प्रश्न है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को अपना चुनाव जीतने के लिए इस पर वायदा करना पड़ता है, तब जाकर वहां चुनाव जीता जा सकता है। यूरोप के देशों की सरकारों में जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनते हैं उनको वायदा करना पड़ता है कि समलैंगिकता के प्रश्न पर वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तब जाकर वहां चुनाव जीता जा सकता है। माने समाज का बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो, और इतना महत्वपूर्ण है आप अंदाजा लगाओ कि अमरीका के राष्ट्रपति को कानून बनाना पड़ता है कि समलैंगिक लोग सेना में रह सकते हैं, समलैंगिक लोग वायुसेना में रह सकते हैं, समलैंगिक लोग जल सेना में रह सकते हैं, माने वहां की पुलिस में रह सकते हैं, कानून में रह सकते हैं, शिक्षा में रह सकते हैं, हर जगह समलैंगिक लोगों के लिए आधार बनाना पड़ता है, स्थान देना पड़ता है, क्योंकि उनके समाज का सबसे प्रमुख विषय है। भारत के समाज के लिए यह कोई विषय ही नहीं है, हमारे समाज के लिए इसका कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि हमने शरीर के सुख को जीवन का अंतिम सुख माना ही नहीं है कभी। हमारे यहां तो ईश्वर की प्राप्ति ही अंतिम सुख है और उसी में चरम आनंद है, और उसी लिए सच्चिदानंद की कल्पना इस देश में की गई है। तो हमारी तो प्रश्न अलग है, मान्यताएं अलग है, और उसके हिसाब से व्यवस्थाएं अलग है, इसलिए भारत में समलैंगिकता कोई विषय नहीं है। लेकिन पश्चिम के मीडिया ने भारत में समलैंगिकता का विषय बनना चाहिए और इस पर बहस होनी चाहिए और समाज में बंटवारा होना चाहिए, आधे लोग इधर आधे लोग उधर, उसकी पूरी ताकत लगाकर कोशिश की है, और उसी कोशिश का दुष्परिणाम है हमारे हाई कोर्ट के द्वारा, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एक याचिका, ये उसी का अंतिम हिस्सा है। इसके पीछे पूरा पश्चिम का जगत लगा हुआ है, मीडिया लगा हुआ है, क्यों? वो जानते हैं कि भारत में अगर ये विषय चल पड़ा और भारत के लोगों के द्वारा ये विषय अगर स्वीकृत हो गया तो कितना बड़ा बाजार उनको यहाँ मिल जाएगा, जो समलैंगिक लोगों की वस्तुओं की बिक्री के लिए यूरोप और अमेरिका में भी उपलब्ध नहीं, उनको यहाँ का बाजार दिखाई देता है, इसलिए उनको भारत के विषय बदलवाने हैं। तो अब इस विषय को बदलवाने की कोशिश एक तो मीडिया के द्वारा हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, और दूसरा फिर प्रिंट मीडिया के द्वारा भी शुरू हो गई है। हमारे यहाँ कविताएं, कहानियां, नाटक छापने वाली पत्रिकाएं खूब इस विषय को आजकल उठा रही हैं, और इस विषय में कहानियां लिखवाई जा रही हैं, इस विषय में कविताएं लिखवाई जा रही हैं, नाटक किए जा रहे हैं, नाटक लिखवाए जा रहे हैं, नाटक दिखाए जा रहे हैं।
कारण एक ही है, वो भारत के मूल विषयों से ध्यान हटाकर कुछ ऐसे विषयों में ध्यान लगाना चाहते हैं जो अंत में हमको सांस्कृतिक अधःपतन की तरफ ही ले जाते हैं। बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है कि पश्चिम की नकल करके हमने हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को एकदम ताक पर उठाकर रख दिया है और फालतू चीजों की बहस में हम पड़ गए।